जिस प्रकार से आजादी के बाद से ही बल्कि पहले से जो ध्यान रखा है छत्तीसगढ़ कौम का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अलग इतिहास है कांग्रेस का, जिसका आजादी जंग के अंदर ही बड़ा भूमिका रही है महात्मा गांधी के जमाने से, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, संविधान निर्माता, और साथ में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जैसे नेता थे उस वक्त में। और 70 साल हो गए हैं, ये आपके वैर भुसावर बयाना क्या था 70 साल पहले आप सोच सकते हैं। आज हिंदुस्तान, राजस्थान प्रदेश, भरतू जिला, हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, ना बिजली लोग समझते थे उस वक्त में, बिजली होती क्या है ये नहीं मालूम था, बिजली होती नहीं थी, 13 मेगावाट बिजली होती थी राजा महाराजाओं के अंदर, जनरेटर चलती थी वो बिजली होती थी, आज क्या नहीं है, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों के अंदर, 1 करोड़ को हम पेंशन दे रहे हैं बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, अपंगों को, सोच सकते हैं, 25 लाख का बीमा कर दिया मैंने, इलाज का क्रांति होगी, 25 लाख का इलाज फ्री, दवाएं फ्री, MRI, CT scan, सारे खून की जांच सब फ्री, ऑपरेशन फ्री, कैंसर का इलाज फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, घुटने बदला लो, कुछ भी कर दिया, तो आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, एकमात्र हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान है जहां पर 25 लाख का बीमा किया गया है प्रदेशवासियों का, सबका किया गया है, सबका किया गया, अमीर गरीब कोई भी हो, बोले इस प्रकार से हमने एक एक फैसले किए हैं, महंगाई राज शिविरम 10 गारंटी आपको दी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ लोगों का जीरो बिल आ रहा है, 1 करोड़ लोगों का बिजली का बिल जीरो आने लग गया, किसानों का 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 14 लाख किसानों का बिल जीरो आता है, अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं हम लोग, खाद्य सामग्री का, तेले भी है, दालें भी है, शक्कर भी है, गायों का बीमा कर रहे हैं, लंबी लोगों गाय मर गई तो 40,000 रुपये दिए उन लोगों को, 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो सरकार ने अपनी तरफ से महंगाई की राहत देने के लिए कमी नहीं रखी, आप और दी जा रही है 10,000 रुपये हमारी बहनों को मिलेगा, चुनाव जीतते ही मिलेगा, 10,000 रुपये घर की मुखिया को मिलेगा, गोधन में गोबर खरीद की सरकार 2 रुपये किलो, गोबर खरीद के गायें जो फिरती है गलियों मोहल्लों में बंद हो जाएगी, पशुधन बाड़ों बंद रहेगा, पानी चारे की व्यवस्था होगी, ये भी गारंटी है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की तरह, हमने इसकी मनाई है, मैं खुद देख के आया रायपुर के अंदर, वहां पर दूधरपुर घर जाते शाम को वापस आते हैं और गोबर से खाद बनती है, गैस बनती है, वो काम आएगी, बच्चों को लैपटॉप दे दो, बारी बार बच्चा जाएगा इस बार और फर्स्ट में भर्ती होते है उसको, वो अपने माँ बाप कहेगा मुझे लैपटॉप दिलाओ, टैबलेट दिलाओ, 20,000 का होता है, दिला नहीं पाता है, हमने कहा तमाम बच्चों को, क्यों अमीर के बच्चे तो खरीद लेते हैं लैपटॉप, गरीब का बच्चा कैसे खरीदता, हमने कहा है तमाम बच्चे जो 12th में पास करके जाएंगे फर्स्ट में सबको लैपटॉप मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, ये हमने कहा, इंग्लिश स्कूल खोलने की गारंटी थी मैंने, सुनो भाई, हे भाई सुनो, इंग्लिश स्कूल खोलने की गारंटी थी मैंने, इंग्लिश क्यों, बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, इंग्लिश क्या काम आएगा हमारे, मैं भी खिलाफ था छात्र था जब, आज मालूम पड़ा कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, सब कुछ आ गए, मोबाइल फोन आ गए, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे अंग्रेजी, दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका जाएंगे पढ़ने के लिए, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बच्चे थे छात्र थे बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने भेजा था उनको लंदन पढ़ने के लिए, आज वही भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब बन गए, संविधान निर्माता बन गए देश के, खाली उनको एक व्यक्ति ने भेज दिया पढ़ने के लिए, बाहर भेज दिया, मैं 500 बच्चों को भेज रहा हूँ दुनिया के मुल्कों के अंदर पढ़ने के लिए, फ्री पढ़ने के लिए, गरीब का बच्चा जा सके ये व्यवस्था मैंने करी है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, 3 हजार स्कूल चल रही है, चुनाव जीतने के बाद में और स्कूल जितनी मांगोगे इतनी स्कूलें मिलेगी, हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश पढ़ पाओगे आप लोग, ये मैं कहना चाहता हूँ, 15 लाख का बीमा कर रहे हैं, बहुत कम पैसा मिलता है,
बाढ़ आ गई है, तूफान आ गया, बिजली गिर गई है, ओलावृष्टि हो गई है। मैंने कहा 15 लाख तक का बीमा करके 15 लाख तक इमदाद मिल पाए ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और लास्ट में सातवां वादा कर रहे हैं ओपीएस का, कर्मचारी ओपीएस से बहुत खुश थे, उनके 35-36 साल की सर्विस के बाद में बुढ़ापे के अंदर पेंशन नहीं मिले, आप सोचिए क्या बीतती उसके ऊपर। हमने हिम्मत करके ओपीएस लागू किया, आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ कांग्रेस राज्यों में आप आए और आज की सभा को संबोधित करें, के अंदर हो गया, राजस्थान के बाद में कर्नाटक में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, कोई बीजेपी राज्य में ओपीएस लागू नहीं है। अभी मैनिफेस्टो निकाला बीजेपी ने, एक शब्द नहीं लिखा उसके अंदर ओपीएस के बारे में। हम लोग पशुपाल को 2 रुपए देते थे बोनस के, दूध के, बंद कर दिया बीजेपी ने लास्ट टाइम, वापस में 5 रुपए देना शुरू किया, कोई जिक्र नहीं इनके मैनिफेस्टो के अंदर। आप सोच सकते हो इनकी कतरी में करनी अंतर है, इनका मैनिफेस्टो बिल्कुल आप समझ लीजिए झूठ का पुलिंदा है,